और ये चीज़ें जैसे लज्जत, लज्जत इंसान को पसंद है, चाहे वो जुबान की लज्जत हो, आँखों की लज्जत हो, जिस्म की लज्जत हो, ये चीज़ें इंसान को पसंद आती है। और यही चीज़ें जो क्या करती है कि उसको बर्बाद कर देती है और ये सब हराम की तरफ ले जाती है। देखिए उसको जो लालच खाने का होता है, तो जुबान की लालच की वजह से, उसको स्वाद देने की वजह से, उसको जो जायका चखने की वजह से आप देखें वो हराम चीज़ें भी खा लेता है। कई लोग क्या है कि उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते तो गैरुल्लाह के नाम का भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस जुबान की लज्जत। इसी तरह जो है आँखों की लज्जत, तो जहाँ जहाँ उसकी आँखों पर हद लगाई है शरीयत ने कि यहाँ यहाँ तुम्हारी आँखें का पर्दा है, यहाँ तुमको नहीं देखना है, लेकिन आँखों की लज्जत, उस लज्जत की वजह से उस जगह पर वो निगाहें टिका के रखता है, उस बार बार उस चीज़ को देखता है, बल्कि वो देखने जाता है, गुनाह की तरफ जाता है। तो ये लज्जत है। इसी तरह जिस्म की लज्जत है, तो जिस्म की लज्जत को पूरी करने के लिए वो तमाम जिनात तक पहुंच जाता है, तमाम जो है हराम खारी वो उसमें चला जाता है। तो ये सारी, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, गफलतें। ये सारी ये किस चीज़ से ताल्लुक़ है, सबका नफ्स से ताल्लुक़ है। ये नफ्स को वो काबू में नहीं रख पाता, तो ना उसकी ज़ुबान काबू में रहती है, ना उसकी आँखें काबू में रहती है, ना उसका जिस्म काबू में रहता है। तो इसको काबू में रखना ये ज़रूरी है। तो ये और बाकी जो है राहत, इंसान को राहत तलबी, ये भी जो है उसकी नफ्स उसको देती है। अरे क्या ज़रूरत है, अभी तो नमाज़ पढ़ी, ठंड के अंदर खासकर होता है, ठंड के अंदर आदमी सोचता है अभी नमाज़ पढ़ी जोहर की, और अभी देखो तो एक डेढ़ घंटा दो घंटा ही हुआ और फिर नमाज़, फिर थोड़ा सा दुकान पहुँचा नहीं, बैठा नहीं, उसके बाद फिर देखो फिर नमाज़, फिर उसके बाद थोड़ा सा दुकान बंद भी नहीं करी, घर जाना था, और उसके बाद फिर नमाज़। अरे ठंड के अंदर तो सिर्फ नमाज ही नमाज होती, काम कुछ नहीं होता। आदमी राहत तलाश करता है, राहत ढूंढता है, तो राहत तलबी भी जो है इसको नुकसान देती है। और राहत तलबी क्या है, राहत क्या होती है, अल्लाह ने जो शरायत हम पर रखी है, जो शरीयत हम पर रखी है, उसके अंदर तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है कि आदमी को ये, अगर हम कहें कि नहीं नहीं मज़ा आना ही चाहिए, नमाज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इबादत करने में मज़ा आ रहा है, रोज़ा रखने में मज़ा आ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं, उसमें तकलीफ़ है। बिना तकलीफ़ के कोई नेकी नहीं है, तो उसमें तकलीफ़ है। तो उसमें तकलीफ़ आती है, तो तकलीफ़ जो अल्लाह के हुक्म में जो तकलीफ़ है, उसे जब वो छोड़ने वाला, राहत क्या होती है कि उसको छोड़ने नहीं देती, नहीं तो राहत क्या होता है, इन चीज़ों से उसको दूर कर देती है। तो ऐसी कई बीमारी जो कुरान हदीस में आई है कि ये सब चीज़ें क्या है, तुम्हारी नफ्स को बिगाड़ देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो इससे खुद को जो तुमको क्या करना है, पाक करना है। और दूसरी खूबियाँ भी अल्लाह ने बताई, दूसरी बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ने बताई हैं कि जो खूबियाँ क्या होनी चाहिए, इसके अलावा ये सारी क्या हैं बुराइयाँ, तो खूबियाँ क्या होनी चाहिए, खौफ, मोहब्बत, सखावत, खैरख्वाही, जोहद, तकवा, ये सारी सिफातें एक इंसान के अंदर, एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए, जो इंसान के लिए भलाई है, जो उसके लिए नजात है, जो उसके निजात के लिए ज़रूरी है। तो नफ्स को क्या करे कि वो तरबियत दे और उसके अंदर ये सिफात को पैदा करे, इन सारी अल्लाह से डरने वाला, खौफ करने वाला, सखावत करने वाला, दूसरों की खैरख्वाही करने वाला, तो ये सारी चीज़ें के अंदर वो अपने आप को ये सिफातें अपने अंदर डाले। और तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि यही चीज़ें तज़किया नफ्स है। तज़किया सिर्फ यानी पाक करना और परवान चढ़ाना, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर है। यानी किस तरह के, मिसाल के तौर पर कि एक बच्चा है, बच्चा बाहर गया खेलने के लिए, कीचड़ में आलू धोकर आ गया, कीचड़ में ये गंदगी उस पर लग गई, अब उसकी माँ क्या करेगी उसको, उसकी माँ क्या करेगी उसको, उसको लाएगी और क्या करेगी, पहले उसको नहलाएगी, साफ़ करेगी, उसको अच्छे से कंघा करेगी, पाउडर लगाएगी, फिर क्या करेगी उसके ऊपर दूसरा लिबास उसको पहनाएगी। यानी क्या किया उसने, पाक किया उसको, उसके बाद परवान चढ़ाया, यानी उसके ऊपर दूसरा गिलाफ उसने पहना दिया। तो ये तज़किया नफ्स से दोनों चीज़ें के, उन चीज़ों को जो बुराइयां हैं उनको अपने अंदर से निकालना, और अच्छी जो औसाफ है, अच्छी जो सिफात है वो अपने अंदर डालना, ये दोनों तज़किया नफ्स है। यानी कि तख्लिया और तहलिया, नफ्स को खाली करना बुराइयों से, जितनी बुरी चीज़ें उनको उससे निकाल देना, उससे खाली कर देना। और यानी कि जिस तरह से घर के अंदर होता ना, घर के अंदर कचरा जमा हो गया, जाले जम गए, तो हम क्या करना है, इसको साफ़ करें ताकि घर साफ़ हो जाए। लेकिन क्या वहीं छोड़ देते हैं उसको कि भाई सालों साफ़ कर दिया, सब हटा दिया हमने, अब क्या करना पड़ता है कि उसके बाद घर को सजाते भी, कि यहाँ पर सोफ़ा होना, यहाँ पर कालीन बिछाना है, यहाँ पर खुशबू होना चाहिए, मेहमान आ रहे तो उनके लिए इंतजाम, लाइट बराबर होना, तो ये क्या करते हैं, पूरा घर तभी कहलाएगा, खाली घर खाली तो नहीं कहलाएगा, उसको तो मकान बोलना पड़ेगा। तो उसके अंदर चीज़ों को संभालते हैं, तो यही चीज़ें कि हम घर की सफाई करें और उसको हम सजा दें उन चीज़ों से, तो अच्छी चीज़ों से उसको सजाना, ये तज़किया नफ्स है।